देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों से भविष्य में किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए कहा है। आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी ने पैन और आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है। SBI ने अपने ग्राहकों को सलाह देते हुए कहा है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से लिंक करें और बिना किसी परेशानी के बैंकिंग सर्विसेज का फायदा उठाएं। SBI ने अपने ट्वीट में लिखा, पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। अगर पैन और आधार लिंक नहीं है तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आप कुछ ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 है। कोरोना संकट में टैक्सपेयर्स की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें आधार नंबर की सूचना देने और उसे पैन से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई थी। सरकार ने इन दो आइडेंटिटी नंबरों को जोड़ने की समय सीमा को जुलाई 2017 से कई बार बढ़ाया है। अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम भरें। इसके बाद कैप्चा में दिख रहे लेटर को भरें। अब लिंक आधार ऑप्शन पर क्लिक करें और आपका पैन आधार लिंकिंग पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आप SMS के जरिए भी अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा। ऐसा करने के लिए आपको अपने मोबाइल में UID PAN स्पेस देकर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर और 10 डिजिट का पैन नंबर टाइप करना होगा और उसे 567678 या 56161 पर भेज दें। इसके बाद आपके आधार डिटेल्स के मुताबिक IT डिपार्टमेंट आपके नाम, जन्मतिथि और जेंडर को वैलिडेट करेगा, जिसके बाद लिंकिंग हो जाएगी। पैन बैंक खाते खोलने, बैंक खातों में नकद जमा, डीमैट खाते खोलने, अचल संपत्तियों के लेन देन और सिक्योरिटीज में लेन देन समेत कई वित्तीय लेन देन के लिए जरूरी है। वहीं आधार बायोमेट्रिक आधारित है और किसी दूसरे पहचान दस्तावेज के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दोनों को जोड़ना टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। तो अगर आप भविष्य में बैंकिंग से जुड़ी किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना पैन आधार से लिंक कर लें।